Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nandase Gyananjan Shalakya Chakshurumilitam Yena Tasme Shri Gurave Nama Vanchakalpatru Bhesha Kripa Sindhu Bhayucha Patitanam Pavne Bhayo Vaishna Bhayo Namo Nama Namo Mahavadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanamni Gaurat Vishaya Nama Tapt Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Deena Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radhaka Namo Sute Vrindaya Tulsi Devi Priya Keshvasacha Vishtu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Gopiyon ka vartalap jo Krishna ke saath ho raha hai isko aage badhate hue Gopiyan keh rahi hain But how could you give up your mother and father, especially your mother? आप अपने माता पिता का कैसे त्याग कर सकते हो, खासकर अपनी माँ का? Your body is made up of your mother, so how could you forget her? तेरा शरीर जो है, उसी के शरीर से निर्माण हुआ है, तो उसे कैसे भूल सकता है? Even if you can give her up, your body will always tell, "I am the son of Mother Yashoda." अगर तू तो त्यागता भी है तो तेरा श्री बार बार यही कह तो यशोदा कहो बिकॉज यू आर मेड फ्रॉम हर ब्लड एंड एवरीथिंग क्योंकि तो उससे खून और अन्य चीजों से बना है इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट यू हैव लेफ्ट एवरीवन ये बड़े आश्चर्य की बात है तूने सब कुछ त्याग दिया है डू यू नो दैट बिकॉज ऑफ यू द बर्ड्स आर नो लॉन्गर सिंगिंग आप जानते हो आपकी वजह से पक्षियां अभी चहकती नहीं है The cuckoo buzzer stopped singing and a quail ने गाना बंद कर दिया है and now they are only भी अभी वह केवल विलाप करते हैं रोते हैं The peacock do not dance now they are very sad more अब नृत्य नहीं करते हैं वे बहुत दुखी रहते हैं The calf do not drink the mother's milk बछड़े जो हैं माँ का दूध नहीं पीते अपनी गाय का माँ का दूध नहीं पीते हैं and the cows are about to die और गौवे भी मरने वाली हैं They no longer eat grass or anything else. वो भी चारा नहीं चरती है और कुछ भी एंड मदर यशोदा नेवर कुक्स और माँ यशोदा ने आज तक रसोई बनाई नहीं है Hearing this, Krishna began to weep very loudly and he was about to fall unconscious. ये सुन के कृष्ण विलाप करने लगे अब मूर्छित होने लगे This there is a poem. Describing this and it is very heart-rending. एक कविता जो उसका वर्णन करती है और वो बहुत दुखदायी है In this Ketan, the Vaishnav poet Govinda is singing in राधा रानी mood. इस कीर्तन में जो गोविंद दास करके हैं वो राधा रानी के भाव में क्या बोलते हैं ओ कृष्ण चंद्र नाउ यू लिव वेरी फार अवे इन मधुपुरी इन मथुरा हे कृष्णा आप तो बहुत दूर रहते हो मथुरा में रहते हो पर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वृंदावन लेकिन ब्रज की क्या दशा है ऑल द वैष्णव आर फीलिंग एक्सट्रीम पेन एंड डिस्ट्रेस इन सेपरेशन फॉर यू सारे ब्रजवासी पीड़ा की अनुभूति करया आपके विरह में दे कॉल आउट कन्नू कन्नू वे बार बार बुलाते हैं कन्नू कन्नू बट देयर इज नो आंसर एंड ओनली एन एको कैन इज हर्ड वह कोई जवाब नहीं आता केवल प्रतिध्वनि सुनाई देती है कनु इज अ निकनेम ऑफ कृष्णा कनु कनु ओ कनु वेर आर यू कृष्णा कृष्णा तो कहाँ है तू तो कहाँ है ये पुकार है इवन द बर्ड्स आर कॉलिंग वेर आर यू पक्षियां भी विलाप कर या कह रही है कि आप कहाँ हो ओ कनु वेर आर यू कन्हा तो कहाँ पे है एवरीवन इज वीपिंग सभी रो रहे हैं ओ यशोमती नंदन ओ यशोदा के पुत्र यशोदा मैया एंड
नंद बाबा आर क्राइंग बिटरली, यशोदा मैया और नंद बाबा भी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। इट इज एज इफ दे हैव बिकम ब्लाइंड, ऐसा लग रहा कि वो अंधे हो चुके हैं। दे कैन नॉट सी एनी मोर एंड दे ओनली सिट एंड क्राई, वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं और वो केवल बैठ के क्या रोते ही हैं। दे हैव नो स्ट्रेंथ एंड दे हार्डली मूव मोर देन हार्डली दे आर हार्डली मोर देन स्केलेटन, उन पे कोई ताकत नहीं है और उनका जो शरीर वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। दे आर अबाउट टू डाई बिकॉज दे नो लॉन्गर कुक एनीथिंग, वो कुछ रसोई नहीं बना रहे हैं और अपने शरीर जो है कभी भी छोड़ सकते हैं। फॉर होम मिल दे को किसके लिए वो रसोई बनाए। दे डू नॉट इवन हैव इनफ स्ट्रेंथ इन देयर बॉडीज टू स्टैंड अप, उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो खड़े हो सके। एंड वॉट इज द कंडीशन ऑफ ऑल योर काउज एंड फ्रेंड्स, आपके सारे गवों की क्या दशा है और सखाओं की। दे कैनॉट हियर योर कॉलिंग देम विद योर फ्लूट, वो उन्हें तेरी बांसी की ध्वन सुनाई नहीं दे रही कि आप उन्हें पुकार रहे हो। सो दी मार्केट प्लेसेज एंड द रोड आर ऑल डेजर्टेड, उसे सारा बाजार और सड़कें हैं वो सोनी हो गई हैं। नो वन इज देयर, कोई नहीं है। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं है। नॉट ओनली दैट प्रीवियसली द बम्बल बीज वर वेरी बिजी कलेक्टिंग मनी, इसके पहले जो ब्रह्मर थे हमेशा व्यस्त रहते थे मधु इकट्ठा करने के लिए। बट नाउ दे आर सो अपसेट दैट दे हैव लेफ्ट द फ्लावर, अब वो भी इतने परेशान हैं कि उन्होंने फूलों का भी त्याग कर दिया है। एंड इवन दे आर क्राइंग एंड रोलिंग ऑन द ग्राउंड इन द पेन और सेपरेशन, वो भी रो रहे हैं और जमीन पर लोट पोट हो रहे हैं भीड़ के कारण। ऑल द ट्रीज लुक ड्रैब एंड डिस्ट्रेस, सारे पेड़ जो हैं दुखी लग रहे हैं, सूखे हुए हैं। द पीकॉक्स नो लॉन्गर डांस मोर, नृत्य नहीं करते। एंड द पिजन नो लॉन्गर सिंग, और कबूतर अभी गीत नहीं गाते हैं। द कुकूज आर साइलेंट, कोयले शांत हो गई हैं। दे नो लॉन्गर कॉल कुहू कुहू, वो कुहू को कहकर नहीं बुलाती हैं। ऑल आर फीलिंग ग्रेट पेन एंड सेपरेशन फ्रॉम यू, सभी को भेड़ा की बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। श्रीमती राधा रानी इज बर्निंग एंड बर्निंग इन द फीवर ऑफ सेपरेशन, यानी राधा रानी के शरीर में भेड़ा की आग लग रही है। एवरीवेयर इन ऑल डायरेक्शन एवरी वन इज सिंकिंग इन द ओशन ऑफ सेपरेशन, यानी चारों दिशाओं में सभी भेड़ा के समुद्र में डूब रहे हैं। फ्रॉम यू इवन द यमुना डज नॉट फ्लो एनी मोर, यमुना ने भी बहना बंद कर दिया है। दिस इज द कंडीशन ऑफ वृंदावन, ये ब्रज की स्थिति है। द वाटर दैट इज सीन इन द यमुना इज एक्चुअली ऑल द टीयर्स दैट आर फॉलन फ्रॉम द आईज ऑफ ऑल द गोपी, जो आज आप यमुना जी में पानी देख रहे हो वो गोपियों के आंखों के आंसू। Why are you staying so far away in Mathura? आप क्यों मथुरा रह रहे हो, इतनी दूर रह रहे हो? When even everyone in Vrindavan is on the verge of that, जबकि ब्रज में सभी लोग मृत्यु की अवस्था तक पहुंच चुके हैं। There is another song by Chandidas also written in the mood of Srimati Radhika. Chandidas ने भी एक लिखी है कविता, एक गीत लिखा है राधा रानी के भाव में। The words of the songs are heartbreaking. वो शब्द जो है वो हृदय को टुकड़े टुकड़े करते हैं। And it is unparalleled in any language of the world. और इस ऐसा जो गीत है जो लोकी में कभी भी सुना नहीं गया ना बना है। You cannot have these topics anywhere, hear these topics anywhere. इन विषयों को आप किधर और पढ़ नहीं सकते हो। I built a house in order to be happy there. वो जो गीत है उसका मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ। मैंने घर बनाया था सुखी होने के लिए। बट दैट हाउस वॉज सडनली बर्न इन अ फायर, लेकिन उस घर में आग लग गई है। आई वॉन्टेड टू टेक बाथ इन द ओशन ऑफ नेक्टर इन ऑर्डर टू मेक माई हार्ट वेरी कूल, मैं नहाना चाहता था अमृत के सागर में हृदय को शांत करने के लिए। बट इंस्टेड इट हैज
crushed and burned, लेकिन उसके वो चूर हो गया है और जल चुका है. I wanted to go to the ocean to bathe and to make my heart soft. मैं समुद्र में जाना चाहता स्नान करने के लिए, हृदय को कोमल करने के लिए. But I saw that all water was gone. मैं देखा कि समुद्र में पानी है नहीं, सब सूख चुका है. There was no water left at all. कोई पानी नहीं था. Then I looked towards the moon so that some of the cooling rays would come upon me. फिर मैंने चंद्रमा की ओर देखा कि उसकी को ठंडक किरण मेरे ऊपर पड़ेंगी. But it turned out that those were not the cool rays of the moon. देखा कि वो तो चंद्रमा की शीतल किरण तो है नहीं. Instead the blazing hot rays of the same sun came and scorched me. यानी सूरज की जो तेजस्विता वो आई और मेरे शरीर को जला रही है. I thought I was in a very high place where there was no water. मेरे को लगा कि मैं बहुत ऊंची जगह पे हूँ जहाँ पे पानी नहीं है. But instead I see that I fallen into an ocean of water. और मैं देख रहा हूँ मैं जो है उस endless ocean of water यानी जो समुद्र में गिर गया जिसका कोई अंत ही नहीं है. यानी कौन सा समुद्र? भेड़ा के समुद्र में गिर गया हूँ जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा. I wanted wealth, but I became poor. मुझे धन चाहिए था, लेकिन मैं दरिद्र हो गया. A very valuable jewel came into my hand, and then suddenly it was gone. बहुत कीमती मनी मेरे हाथ पे आई थी, और वो चले गई. वो कीमती मनी क्या? कृष्ण आए थे, और वही कृष्ण अब चले गए मथुरा, मेरे हाथ में आके चले गए. राधा रानी के भाव में चंडीदास लिख रहे हैं. I built a city near the ocean. मैंने एक शहर बनाया समुद्र के तट पर. सो दैट आई कुड गेट अ वैल्यूएबल ज्वेल फ्रॉम दैट ओशन. शायद मुझे कोई मनी मिल जाए उस समुद्र से. देन आई मेड अ डैम एंड आई मूव द ओशन फ्रॉम वन साइड ऑफ द डैम टू द अदर. फिर मैंने एक बांध बनाया कि समुद्र को एक तरफ से मैं दूसरी तरफ ले जाऊं. हाउएवर व्हेन द ओशन वाज फाइनली ड्रेन्ड, जब समुद्र का पानी सूख गया, द ज्वेल वाज नोवेयर टू बी सीन. यानी वो मणि मुझे किधर भी मिली नहीं. It was hidden somewhere due to my misfortune. वो किधर छुपी हुई थी, ये मेरा दुर्भाग्य है. I looked towards the clouds to quench my thirst. मैंने बादलों की ओर देखा आपकी प्यास बुझाने के लिए. But instead of rain, a thunderbolt came on my head. यानी पानी की वजह से मेरे सिर पर वज्र गिरा. I loved Krishna in order to be happy. मैंने कृष्ण से प्रीति प्रेम किया खुश होने के लिए. But I gave him and I gave him my body. मैंने उसको अपना शरीर mind and heart and soul everything. But मैंने अपना शरीर मन हृदय आत्मा सबको दिया, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया. The fire of separation enveloped me. भेरा की अग्नि मुझे जला रही है. And I was burnt. और मैं जल रहा हूँ. Krishna love is endless like the ocean. Krishna का जो प्रेम है उसका कोई अंत नहीं है समुद्र की तरह. And I want to take bath in that ocean. मैं उस समुद्र में स्नान करना चाहता हूँ. But what happened? लेकिन क्या हुआ? The water dried up and in this place was a great conflagration. पानी सूख गया और उधर मुझे भयानक आग लगी मिली. Everything burned in separation. सभी कुछ भेरा में जल रहा था. What should I do? मैं क्या करूँ? Krishna would not be able to survive if he were to hear all these heart breaking words. Krishna को अगर ये बातें सब सुनते जो हृदय को तोड़ रही है तो शायद वो जीवित ही रह सकते थे. दीज फीलिंग और श्रीमती राधिका आदि मूड एट रथ यात्रा. यानी यही भाव राधा रानी के हैं रथ यात्रा के समय. एंड दिस इज चैतन्य महाप्रभु मूड एट दैट टाइम. और यही महाप्रभु के भाव भी थे रथ यात्रा के समय. ही एक्सपीरियंसेस ऑल द सेंटिमेंट्स ऑफ राधिका एंड नो वन कैन एक्सप्लेन हर मूड्स विदाउट द हेल्प ऑफ हिज भाव. यानी वो सभी राधा रानी के भाव की अनुभूति कर रहे थे और उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता उनके भाव की बगैर सहायता के. यानी बगैर कृपा के राधा रानी की ही कृपा चाहिए, महाप्रभु कृपा चाहिए होती है इन भावों को समझने की और उनका वर्णन करने की. हिज मूड्स हैव बीन पास्ड ऑन टू श्री स्वरूप दामोदर, टू श्री रूप गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी.
उनके भाव जो है स्वरूप दामोदर के पास है, फिर स्वरूप दामोदर से रूप गोस्वामी के पास गए, रूप गोस्वामी से रघुनाथ गोस्वामी के पास गए, वे एक्सप्रेस देम इन देयर ओन राइटिंग, उन्होंने अपनी भाषा में उनका वर्णन किया गया। ट्राई टू रियलाइज ऑल दिस, इन सब सत्य को समझने का प्रयास करिए। हु वेंट टू कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र कौन गया? दिस सब्जेक्ट मैटर इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो विषय है ये काफी अलौकिक है, यानी संसारिक से परे है। इट इज नॉट लेस इन डेप्थ एंड सिग्निफिकेंस देन रामनंद संवाद, यानी इसमें जो का जो विषय है राय रामनंद जो संवाद था महाप्रभु के साथ, उससे उतना ही गहरा या उससे ज्यादा ही गहरा होगा। तो महाप्रभु कन्वर्सेशन विद राय रामनंद एज फाउंड इन चैतन्य चैतन्य, इन फैक्ट इट इज इवन डीपर, उससे भी गहरा है ये विषय। कृष्णा हैज प्रॉमिस, कृष्णा ने वायदा किया है, आई विल नेवर गिव अप वृंदावन, मैं कभी ब्रज का त्याग नहीं करूंगा, आई विल ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा वहां पे रहूंगा। राधिका ऑल्सो प्रॉमिस, राधिका राधा रानी भी वायदा किया है, कृष्ण में गो बट आई कैनॉट लीव वृंदावन, कृष्ण को जाना चाहते हैं तो चले जाए लेकिन मैं ब्रज का त्याग नहीं करूंगा। देन हु वेंट टू कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र कौन गया? देयर आर इन्यूमरेबल मैनिफेस्टोज ऑफ कृष्णा एंड सो मेनी ऑफ राधिका एज वेल, कृष्ण के बहुत से विस्तार है, अवतार है, और राधा रानी के भी बहुत से विस्तार भी है और अवतार भी हैं। एंड दिस इज वेरी वंडरफुल वंडर, अरे बड़ा अद्भुत है। कृष्णा कैन बी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ कृष्णा एट द सेम टाइम, कृष्णा हजारों हजारों धारण कर सकते हैं एक के साथ, जैसे प्रत्येक ग्वाले को लगता था कृष्ण मेरे साथ ही लीला करें, एक रूप में प्रभु गोपियों के साथ होते, एक रूप में राधानी के साथ होते थे, कभी सूर्य कुंड में कभी राधा कुंड में। इस प्रकार प्रभु ने सबको सुख प्रदान किया और सबको यही लगता था कि एक साथ ये कृष्ण केवल मेरे पास है, किसी और के पास नहीं। हजारों जो ग्वाले थे जब भगवान के चरण दबाते थे तो आप बोलो कि हजारों एक साथ कैसे दबा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक ग्वाले को लगा कि कृष्ण मुझसे ही सेवा ले रहे हैं और मैं ही कृष्ण की सेवा करो, मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं मेरे सम्मुख। इस प्रकार उनको लगता है ये भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और अपनी कृपा ब्रजवासियों पर दर्शाई है, किसी का हृदय नहीं टूटने दिया। और साथ साथ पे गोपियों के साथ भी होते थे तो एक ही समय में गोपियों के साथ, एक ही समय ग्वालों के साथ होते थे और गौओं के साथ भी होते थे। इस प्रकार भगवान की अनंत लीला है, बुद्धि से हम सही समझ सकते हैं। कृष्णा कैन बी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ कृष्णा एट द सेम टाइम, या देयर कैन बी मिलियंस मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ राधा देन देयर ऑफ कृष्णा, यानी और राधा रानी के भी करोड़ों विस्तार हो सकते हैं। एज शी डिस्प्ले डूइंग रासलीला, शी इज वेरी एक्सपर्ट, जैसे रासलीला में बताया गया है। देखो रासलीला कई प्रकार की हुई है, जैसे एक कृष्ण एक गोपी होती थी या एक कृष्ण दो गोपियां होती थी, तो इस प्रकार लीला में किसी रास में कृष्ण अंतर्धान हो जाते थे, किसी रास में राधा रानी अंतर्धान हो जाती थी। जब राधा रानी अंतर्धान हो जाती थी तो सारा रस खत्म हो जाता था, यानी करोड़ों गोपियां है लेकिन कृष्ण को रस नहीं आ रहा है क्योंकि राधा रानी नहीं है। जो कोई रस जो मिलता है चाहे गोपियों को या मंजरियों को, वो केवल और केवल राधा रानी से ही मिलता है। यानी उसी वक्त रास रुक गया, कृष्ण राधा रानी को खोज रहे हैं, तो लीला में अंतर होता ही है। सुखदेव जी ने जो बताई है जो भागवत के अंदर, उस रास में राधा रानी कृष्ण को खोजती है गोपियां, और हमारे गोस्वामी ने जो रास का वर्णन किया गया उन्होंने ये उनकी दृष्टि में भगवान ने जिसको जो लीला दिखाते हैं वो वही दिखता है। उनमें दिखाया गया कि भाई हमारे गोस्वामी के भाव है, मेरी राधा रानी क्यों कृष्ण को ढूंढेगी, कृष्ण ढूंढेंगे वो। राधा रानी अंतर्धान हुई थी, कृष्ण विलाप कर रहे थे, राधा क्यों रोएगी, कृष्ण रोएंगे वो उनको खोजेंगे, राधा क्यों खोजेगी उनको, उनके पैरों में क्यों दुख है, कृष्ण के पैरों में कांटे चुपने दो या उनको दुख में राधा रानी को कोई कष्ट आओ, क्योंकि वो सब मंजरिया है हमारे गोस्वामी। तो मंजरिया होने के नाते
उनको जो भाव मिला जो उन्होंने देखा उसमें यह था कि राधा रानी अंतर्धान और कृष्ण उनको ढूंढते हैं सैकड़ों गोपियों के बावजूद उन्हें कोई रस नहीं मिलता है। राधिका एंड कृष्ण एटर्नी प्ले विद द गोपी एसोसिएट इन वृंदावन। राधा और रानी और कृष्ण जो है नित्य लीला करते गोपियों के साथ वृंदावन में। वह राधिका इस कॉल वृष भानु नंदिनी राधिका जहाँ पे राधा रानी को वृष भानु नंदिनी राधिका कहा गया है। शी नेवर लीव वृंदावन एंड शी हार्डली एवर लेमेंट। वो कभी वृष से बाहर जाती है ना कभी विलाप करती है क्योंकि अप्राकृत वृंदावन में आज भी राधा कृष्ण की नित्य लीला चल रही है। जीव की दृष्टि में कृष्ण दूर होया लेकिन ईश्वर की दृष्टि में उन्हें कोई वृक्ष से बाहर गए नहीं। हमें दिखाई दे रहा कि वो बाहर गए हैं एक रूप में बाहर गए हैं लेकिन कृष्ण जी ने ब्रज छोटनंदन ने कहा मैंने आज तक वृक्ष का त्याग नहीं किया और न ही राधा ने कहती मैंने त्याग किया वृक्ष का आज तक कभी और हमें नित्य आनंद हो रहा है। और ये बात हम पढ़ चुके हैं जब उद्धव जी आते तो उनका सारा आनंद ही तो दिखाई दे रहा था कि कृष्ण जी हैं उनके साथ लीला कर रहे हैं और राधा रानी आ रही है वहां पे और घर में जोत जला रही है और राधा रानी जो है रास कर रही है आनंद ले रहे हैं ग्वाले आ रहे हैं कृष्ण उनके साथ गौ चराते हुए आ रहे हैं। यशोदा नंद बाबा बड़े प्रसन्न है उनके लिए भोग बना रहे हैं। अचानक वो सारा दृश्य हट जाता है और सब विलाप करते दिखाई देते हैं। मतलब क्या कि जो उन्होंने देखा पहले और जो अब देख रहे हैं उस पर बहुत अंतर है बिल्कुल विरोधी चीज है। क्यों? कृष्ण ने बताया कि देख वास्तव में ब्रिज में निरंतर लीला चल रही है मैं ब्रिज में हमेशा हूँ। हाँ लेकिन लोगों को क्यों प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए राधा जी की महिमा का विस्तार करने के लिए गोपियों की महिमा को बताने के लिए कि मुझे सबसे प्रिय क्या है उनका प्रेम कैसा है मैं वृंदावन का त्याग करके मथुरा जाता हूँ ये केवल संसार में उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए किया गया है। वो भी हमारी दृष्टि में हुआ है वास्तव में उन्होंने कभी भी त्याग नहीं किया था ब्रिज का। एंड शी हार्डली एवर लेमेंट्स और वो भी कभी विलाप नहीं करती है क्योंकि जब कृष्ण हमेशा साथ है विलाप किस बात का उनके जैसा तो सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। नो सो हु वाज लमेंटिंग इन नंदगांव व्हेन उद्धव वेंट देयर। तो कौन विलाप कर रहा था जब उद्धव जी गए थे। राधिका इज ऑलवेज विद कृष्णा सो हाउ डिड सेपरेशन कम अबाउट। तो राधा तो हमेशा कृष्ण के साथ होती है तो ये भेरा कैसे हो रहा है। Who went to Mathura and Dwarka? फिर मथुरा द्वारका कौन गया। कृष्णा मैनिफेस्टेशन वेंट। कृष्णा अपने विस्तार अपना किया और उस रूप पे जाते एक रूप पे मथुरा जाते हैं और एक रूप पे द्वारका जाते हैं लेकिन वो सेम वहां पे रहते हैं अपने विस्तार एक्सपेंड करके जाते हैं अपने विस्तार के द्वारा जाते हैं। सिमिलरली हु वाज वीपिंग बिटरली विद ऑल हर सखीज इन नंदगांव। तो कौन बहुत जोर से रोए थे अपनी सखियों के साथ नंदगांव में। इट वॉज योगिनी राधा शी वॉज वन हु उद्धव मेट हु वाज फीलिंग इंटेंस सेपरेशन एंड हु रिसाइटेड भ्रमर गीत विच इज वन ऑफ द ज्वेल और श्रीमद् भागवतम। वो थे वियोगिनी राधा यानी राधा रानी का विस्तार जिसको वियोग की अनुभूति हो रही है वो विलाप करी थी और वही उद्धव से मिली है और उन्होंने ही भ्रमर गीत जो है जो गाया है। जब भ्रमर को देखते वो किस प्रकार पागल होती है उनको कृष्ण की स्मृति आती है वो जो भ्रमर गीत है वो एक मणि की तरह है भागवत के अंदर। वो थी वियोगिनी राधा। हु वेंट टू कुरुक्षेत्र इट वाज वृषभ नंदिनी राधिका बट इन अ मैनिफेस्टेशन एज संयोगिनी राधिका। तो कुरुक्षेत्र कौन गया मिलने के लिए कहते राधा रानी थी लेकिन सेम नहीं उसका विस्तार संयोगिनी राधा रानी गई है जो कृष्ण से मिलने गई। तो एक तो संयोगिनी राधा रानी है जो विलाप करी और दूसरी जो है संयोगिनी राधा रानी जो कृष्ण से मिलने गई है लेकिन मूल में राधा रानी हमेशा ब्रज में रहती है और कृष्ण जी मूल में ब्रज में रहते हैं और वहां पे लीला करते हैं।
She is the same Radha, but as a manifestation, ये वही राधा रानी है, लेकिन उनका स्वरूप है, उनका विस्तार है. She went to Kurukshetra and there she attracted Krishna to return to Vrindavan. वो कुरुक्षेत्र में गई और उसने कृष्ण को आकर्षित किया ब्रिज में आने के लिए. Everything is reconciled when you approach a realized spiritual master, inquire from him submissively. हर चीज समझाई जा सकती है अच्छे ढंग से अगर आप उस गुरु से सुन रहे हो या कोई उस भक्त से सुन रहे हो जो थोड़े ऊंचा उठ चुका है उसके वो आपको बराबर समझा सकेगा. नहीं तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है या उससे भी गया ना उसको खुद को समझ आएगी ये भाषा ना वो किसी को समझा सकेगा जब तक उसकी थोड़ी ऊंची स्थिति ना हो और उसके पास शरणागत भाव से जाना चाहिए गुरु के पास एंड सर्व हिम और उसकी सेवा करना. आप कैसे गुरु की सेवा करते हो? गुरु से कथा सुनना, गुरु की आज्ञा मानना और हरिनाम करना. ये बहुत गुरु की आप इंटीमेट सेवा करो, करीबी सेवा करो, क्योंकि यही तो गुरु चाहते हैं कि जीव भजन करे और उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है आपके शिष्य को भजन करते हुए. उन्हें लगता है कि मेरा इस संसार में आना, अवतार लेना सार्थक हो गया क्योंकि एक बंदे को मैं भव सागर से पार ले जाने में सक्षम हो गया हूँ. एक मेरा जो शिष्य है भजनानंदी बन गया है, भजनशील हो गया है और भजनशील होने के नाते वो अब भगवान के चरणों में जा रहा है. उन्हें बहुत ज़रा खुशी होती है इस बात को देख के. ये रियल गुरु सेवा है. गुरु के मुख से कथा सुनना, भक्ति के तत्व सुनना, भगवान की लीला को सुनना. गुरु की कथा ही देकर कथा के द्वारा आपकी बुद्धि पे प्रहार करते हैं आपके अहंकार को, आपकी ईर्ष्या को, देश भाव को या संसारी काम में जब आपके अंदर जागृत आ रही है उन सबको आपके शब्दों के द्वारा काटते हैं. कथा के द्वारा प्रेम उत्पन्न करते हैं और अपने शब्दों के द्वारा आपकी जो बुराइयों का नाश करते हैं और नाम में रुचि उत्पन्न करते हैं. या मेंटल स्पेकुलेशन अलोन विल नॉट सफाई. केवल हम कल्पना करते रहेंगे अपनी बुद्धि से तो कुछ समझ नहीं आएगी. यू मे बी अ लर्नड पर्सन बट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू, इट विल बेटर यू. आप विद्वान हो सकते हो लेकिन यहाँ पे विद्वता काम नहीं आती है. यहाँ पे कृपा चाहिए होती है, यहाँ पे भक्ति की जरूरत होती है. बुद्धि से इंसान नहीं समझ सकता. और इस बात को मैंने बहुत बार अनुभव स्वयं भी किया हुआ है. बहुत से जो लोग हैं जिसे हम जानते हैं, किसी ने PhD की हुई है, किसी ने MSc की हुई है, किसी ने कोई क्वालिफिकेशन, भक्ति के बहुत से ग्रंथ पढ़े हुए हैं और कई ग्रंथ उनको आते भी हैं, उसके बावजूद इन सब ग्रंथों को जानने के बाद जब वो मुझसे प्रश्न करते हैं और मैंने तो इतने तक ग्रंथ पढ़े ना, मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ ज़्यादा, और फिर मैं जो उनको उत्तर देता हूँ उनसे उनको संतुष्टि होती है, उनके हृदय परिवर्तन होता है. ये केवल और केवल हरि नाम और भगवान की कृपा के अलावा कुछ नहीं होता. ये केवल और केवल कृपा चल रही है, हरि नाम की कृपा चल रही है जिसके प्रभाव से हम हमारे में क्षमता है कि उसके प्रश्नों का समाधान करने का और वो कन्विंस भी होते हैं और उनको आनंद भी आता है. ये केवल भगवान की कृपा के अलावा हम उसका कुछ नहीं मानते. I have been explaining the moods of the Gopis of Kurukshetra. मैं गोपियों के भाव का वर्णन कर रहा कुरुक्षेत्र में. And Krishna's statement to them, और कृष्ण उनसे क्या बातचीत करे. You can also study this subject matter yourself, but only a rare person can go into it very deeply. आप स्वयं भी इस चीज को पढ़ सकते हो लेकिन गहराई तक कोई कोई बिरला ही जाएगा. It is stated in राधा रसोदा नदी. राधा सुधा नदी में क्या लिखा गया है? ब्रह्मा, रुद्र, भीष्म, नारद एंड अदर्स लाइक देम आर वेरी एडवांस ज्ञानी भक्त. कहते ब्रह्मा, शंकर जी, भीष्म पितामह, नारद और कई जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है, यानी ऊंची स्थिति में वो ज्ञानी है, उन्हें ज्ञान बहुत ज्यादा है. दे आर ऑल आत्मा रमन एंड आप्त काम, यानी आपकी आत्मा में रमन करती है
और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. Yet they can only rarely have darshan of Krishna and what to speak of having darshan of Radhika. और कहते हैं कि उनको उनको भी कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं और राधा रानी तो भूल जाए तो और भी दुर्लभ है. ये जब तक कृष्ण की या उनके मंजरियों की या उनके सखियों की कृपा नहीं होती हमें राधा रानी के दर्शन नहीं हो सकते. असंभव. या कृष्ण कृपा करेंगे तो दर्शन होंगे या मंजरियाँ जो है भगवान के दासियाँ जो भगवान के दास होते हैं वो कृपा करेंगे राधा रानी के तब हमको दर्शन हो सकते हैं. अरे ये तो ब्रह्मा शिवरुद्र शिव की तो बात छोड़ो कृष्ण भी राधा जी के कुंज में नहीं जा सकते जब तक उनकी मंजरियाँ उन्हें परमिशन नहीं देती है. मंजरियाँ भी जाके पूछा राधे आप बोलोगे तो आप बोलते नहीं तो मंजरिया कहते नहीं. मंजरियों की कृपा से भी कृष्ण को राधा जी के कुंज में जाना पड़ता है. तो सोचो कि ये मंजरियों की स्थिति है जो राधा की दासियां हैं तो कृष्ण को उनकी परमिशन लेनी पड़ती है राधा मिलने के लिए. तो अगर हम इन मंजरियों इन राधा रानी के शुद्ध भक्तों का उन दासों का आश्रय लेंगे तभी वो हमको राधा रानी दिला सकते हैं अर्थात उनके कृपा के बगैर हमें राधा रानी की नहीं मिल सकती. द डेमिगॉड्स केम ड्यूरिंग कृष्णा रासलीला बट दे ओनली सॉ कृष्णा डांसिंग एंड सिंगिंग. रासलीला देखे तो देवता भी आए थे लेकिन उन्होंने केवल कृष्णा को नृत्य करते हुए देखा. दे डिड नॉट सी द गोपी. उन्हें गोपियां नहीं दिखाई दी. ऑन द अदर हैंड देयर वाइव्स सॉ कृष्णा विद द गोपीज एंड फेंटेड. उल्टा उनकी पतियों ने कृष्णा को गोपियों के साथ देखा और वे मूर्छित हो गए. द ऑथर ऑफ दिस प्रेयर श्री प्रभुनंद सरस्वती से दैट इफ कृष्णा नोज दैट समवन हैज ऑन हिज हेड अ इम्यूट डस्ट पार्टिकल ऑफ श्रीमती राधिका लोटस फी. प्रभुनंद सरस्वती कहते हैं अगर कृष्णा जानते हैं कि किसी के भी सर पे राधा रानी के चरणों की एक धूली भी आ गई एक कण भी आ गया ही विल होली एंड सोली गिव हिमसेल्फ टू दैट डिवोटी. वो अपना को पूर्ण सब समर्पित कर देगा. मतलब क्या उनके चरणों की धूली मतलब कि जो राधा रानी के प्रेमी हैं अगर उनकी सेवा करते उनके अनुगत में चलते हैं तभी कृष्ण अपने आप को हमें देते हैं. धूल का मतलब लिटरल धूल मत समझ लेना. चल वो भी स्वीप पावर होती है जब वो राधा रानी के चरणों से लग जाती है. मतलब क्या जो राधा रानी के जो प्रेमी है जो दासी है जो मंजरी है जो रात दिन उनकी सेवा करती है उनके साथ जुड़ने से उनकी कृपा मिलने से हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है. मतलब ये होता है यह कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी जो उनके भक्तों की सेवा करेगा तो उनके साथ जुड़ा रहेगा. तो इससे कहते हैं शुद्ध भक्तों के साथ प्रेमी भक्तों के साथ जुड़े रहो. कथा सुनने को निरंतर मिलती रहेगी जाप करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और बहुत शीघ्र आप उनके करीब पहुंच जाओगे. लेकिन केवल ज्ञानी हो तो कोई काम का नहीं. यहाँ पे बुद्धि काम नहीं आती. यहाँ पे हृदय चाहिए प्रेम की जरूरत होती है. यहाँ पे दीनता की जरूरत होती है. सेवा ज्ञानी के अंदर अभिमान होता है. बगैर भक्ति के ज्ञान किसी काम का नहीं. भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा क्योंकि भक्ति के अंदर विनम्रता होती होती है. डिवोटी लाइक ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्मा एंड द फोर कुमार सनक सनंदन सनातन एंड सनत कुमार और वेरी एलिवेटेड. ये सब जो है उस कोटि के भक्त है. शिव जी और ब्रह्मा जी नारद जी भीष्म सनकादि ऋषि जो चार भाई है सब बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं. एंड दे आर प्रोमिनेंट अमंग ये 12 महाजन 12 महाजनों में उनकी गिनती भी है. येट दे कैनॉट कंट्रोल कृष्णा. फिर वो भी कृष्णा को अपने अधीन नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड और दूसरी ओर the dust of Radhika lotus feet is so powerful that it can control Krishna very easily. राधा रानी के चरणों की धूल में भी इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण को कंट्रोल कर सकती है. यानी राधा रानी की दासियां भी इतनी पावरफुल है वो चाहे तो ब्रह्मांड उत्पन्न करके नष्ट कर सकती है लेकिन वो कभी इन चीजों के और ध्यान भी देती. वो इतनी शक्तिशाली वही कृष्ण को कंट्रोल कर सकती है. इसलिए हम उन दासियों की सेवा करेंगे जो राधा रानी की प्रिय है. रूप गोस्वामी जैसे रूप मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी स्नातन गोस्वामी लवंग मंजरी है गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी तब जाके हमको राधा रानी की प्राप्ति होगी अन्यथा नहीं होगी.
तो कहते हैं कि वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो धूल है वो कंट्रोल कर सकती है कृष्ण के राधा के चरणों की, एक धूल में भी इतनी पावर है। कृष्ण मे बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लव एंड अफेक्शन। कृष्ण हो सकता है वो तृप्त भी हो जाए, प्रसन्न भी हो जाए उनके प्रेम से। ही रिसीव्स फ्रॉम अदर डिवोटीज, उन्हें अन्य भक्तों से जो प्रेम मिलता है, उन्हें आनंद मिल सकता है, उन्हें तृप्ति हो सकती है। बट इन कंपेरिजन टू द गोपी दे कैनॉट कंट्रोल इन दिस लेटर डिग्री। लेकिन अगर गोपियों के साथ तुलना की जाए, किसी के पास इतना प्रेम है ही नहीं जो कृष्ण को अपने अधीन कर सके। ये प्रेम केवल ब्रजवासियों के पास है। If one wants to control Krishna, he must serve Srimati Radhika's foot dust. जो कृष्ण को अपने अधीन करना चाहे, उसे राधा रानी के चरणों की धूल की खोज करनी चाहिए। मतलब क्या, उन प्रेमी भक्तों का, उन प्रेमी दासों का संग करो जो आपके अंदर प्रेम का संचार कर सके और भगवान की प्राप्ति कराए। उन राधा रानी के भक्तों की खोज करो जो रात दिन राधा रानी की सेवा मग्न रहती है, उसका चिंतन करते, उसके गुणगान करते हैं। ऐसे भक्तों की खोज करो, वो भक्त आपको राधा रानी प्रदान कर सकते हैं। इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ दैट फूड डस्ट एंड विल ट्राई टू क्लाई, अगर एक कण भी मिल जाता है उस चरण की धूलि का तो ले लो। इन अदरवर्ज ही मस्ट एक्सेप्ट द गाइडेंस ऑफ श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास। मतलब क्या है, हमें हमारे गोस्वामियों की आज्ञा माननी चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कौन है, वो है रूप मंजरी, लवंग मंजरी एंड रति मंजरी। इन राधा एंड कृष्णा पार्श्व राधा किला में ये सब मंजरियां हैं। मतलब कि इनकी हम शिक्षा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या उसके अनुसार चलते हैं, तभी जाके हमें राधा रानी मिल सकती है, उनका प्रेम मिल सकता है, और तब हम कृष्ण को हम अपने अधीन कर सकते हैं। कृष्णा विल बी कंट्रोल्ड एट वंस इफ ही नोज, कृष्णा तुरंत आपके अधीन हो जाएंगे अगर वो जानेंगे। दीज आर दी मेड सॉन्ग्स ऑफ राधिका, वो ये तो राधा रानी के दासियां हैं। बट नो वन कैन कंट्रोल हिम अदर, देखो राधा रानी और उनके दासियों के अलावा कोई भी कृष्ण को आपके अधीन नहीं कर सकता। आप प्रसन्न कर सकते हो, तृप्त कर सकते, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप राधा रानी की शरण ग्रहण नहीं करोगे। ट्राई टू बिकम अ पार्टिकल ऑफ दी डस्ट ऑफ राधिका लोटस, ही राधा रानी के चरण की धूल बनने का प्रयास करो। मतलब कि दीन भाव से उन प्रेमी भक्तों के आश्रित रहिए, दीन भाव से, और उनकी शिक्षा को ग्रहण करिए, पढ़िए, सुनिए और हरिनाम करिए, तो बहुत शीघ्र आप पहुंच जाओगे उस अवस्था में। ये किताब हम उन्हीं की शिक्षा को तो पढ़ रहे हैं, ये जो भाव जो दे रहे हैं आपको, ये हमारे गोस्वामी के ग्रंथ तो है, ये हमारे अपने तो है नहीं, मेरे बनाए हुए जो भाव थे, हमारे गुरु वर्गों के भाव है जो प्रदान किए जा रहे हैं। चैत्य चैतामृत से लिए हुए सारी किताब है। जैसे सुंदरकांड मानस का अंश होता है, उसी प्रकार रथ यात्रा चैत्य चैतामृत का एक अलग से चैप्टर है। हम एक्चुअली चैत्य चैतामृत ही पढ़ रहे हैं, एक ही समय अगर देखा जाए उसका रथ यात्रा का प्रसंग। जैसे आप अयोध्या कांड पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हो, यानी वो मानस ही पढ़ रहे हो, उसी प्रकार हम रथ यात्रा पढ़े तो चैत्य चैतामृत ही हम पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं ट्राई टू बिकम पार्टिकल ऑफ राधिका लोटस, राधे के चरणों की धूल बनिए। व्हेन ब्रह्मा वेंट टू वृंदावन एंड सॉ कृष्णा पास देम, ही पर्सनली प्रेड। जब ब्रह्मा जी वृंदावन गए थे ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, जहाँ पे उन्होंने ग्वालों को और बछड़ों को गुफा में छुपाया था और एक साल तक लीला चलती रही, बाद उन्हें जब आए देखने के लिए तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि असली कृष्ण कौन है ये और ग्वाले कौन है, ये है कि गुफा में सोए हुए हैं। क्योंकि जितने ग्वाले थे और जितने बछड़े थे भगवान ने उतने ही रूप धारण किए, और बिल्कुल रोज की तरह वही लीला करते रहे जो जैसे वो बच्चे करते अपने घर में, किसी का पता ही ना चला। एक साल के जब ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बुद्धि चकरा गई कि मैं जिसे मोहित करने आया था उसकी माया ने मुझे मोहित कर दिया है। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा मैं सब मोहित हो गया, मैं उनकी माया पे, मेरी माया तो कुछ भी नहीं उनके आगे, उनकी माया तो इतनी प्रबल है मुझ जैसे को भी मोहित कर देती है। तब वो क्षमा याचना मांगने आते हैं अपने वाहन हंस पे बैठ के, और जो 14वां अध्याय है वो उनकी स्तुति है ब्रह्मा जी की, उसमें क्या कहते हैं, माय डियर लॉर्ड
मेरे स्वामी यू आर दी ओनली वर्शिपर, आप ही उपासना करने योग्य हो, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आप ही साक्षात ईश्वर हो, एंड देयरफॉर आई ऑफर माई हम्बल ऑबिशंस एंड प्रेयर्स जस्ट टू प्ले यू, इस समय आपको प्रणाम करता हूँ दीन भाव से और आपकी प्रार्थना करता हूँ, वो सन ऑफ द किंग ऑफ गॉड्स, यानी जो ग्वालों के जो राजा हैं उनके पुत्र, यानी नंद बाबा के पुत्र हो, योर गारमेंट इज ब्रिलियंट लाइक लाइटनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ योर फेस इज एनहांस्ड बाय योर गुंजा इयररिंग, कहते आपके जो वस्त्र हैं वो बिजली की चमक की तरह है और आपके जो मुख की जो सुंदरता है वो कैसे गुंजा के जो इयररिंग्स होते हैं, जो कुंडल होते हैं वो आप वो पहने हैं, कहते कितने भाग्यशाली है ये हमारे गोस्वामी के भाव है कि हर वक्त वो कृष्ण के कानों से जुड़े हैं, जब कृष्ण चलते हैं वो कुंडल हिलते हैं और बार बार कृष्ण के गालों का चुंबन करते हैं, कहते कितने भाग्यशाली हैं वो कुंडल भी जो कृष्ण के कानों में पड़े हैं और कृष्ण जब हिलते डुलते हैं वो बार बार कृष्ण के गालों का स्पर्श करते हैं और उनका चुंबन करते हैं, कहते वो कुंडल बनना भी कितना अच्छी बात है, एंड द पीक ऑफ फैदर ऑन द हेड, और आपके सर पे मोर पंख है, वेयरिंग गार्लैंड्स ऑफ वेरियस फॉरेस्ट फ्लावर्स, आप जो हार पहनते हो वो फूलों की एंड लीव्स और पत्तों की, एंड इक्विप विद अ हर्डिंग स्टिक, और आपके हाथ पे सोटी है जिससे आप बछड़ों को गावों को इकट्ठे करते हो, आप बफलो हॉर्न यानी सिंगी जो है, एंड अ फ्लूट ऑफ बांसुरी है, यू स्टैंड ब्यूटिफुली विद द मोसल ऑफ फूड इन योर हैंड, आप खड़े हो हाथ पे ग्राई लेके, रोटी की ग्राई लेके खड़े हो, क्योंकि जब कृष्ण जी रोटी खा रहे थे अपने सखाओं के साथ और गौवे और बछड़े गए थे चारा चरने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, एक ये क्या ईश्वर हो नहीं सकता है जो ग्वालों के जूठन खाता है, ईश्वर कभी जूठन खाते हैं क्या, तो और उनके मुख से लेके खा रहा, अपना उनके मुख में डाल रहा, खेद रहा है, इनको अपने कंधे पे बिठा रहा है, कभी उनके कंधे पे चढ़ा है, क्या ये भगवान ऐसा कभी क्रिया कर सकते हैं, उसकी बुद्धि से परित उसे परीक्षा लेने के लिए उन बछड़ों को गुफा में छुपा दिया, और फिर जब ग्वाले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए उन्हें भी लेकर गुफा में छुपा देता है, तो कृष्ण समझ के से सारी करतूत ब्रह्मा जी की है, उसे मोहित करने के लिए, फिर वही वो सारे बछड़े और रस्सी भी बन जाते हैं और ग्वाले बन जाते हैं, और इस प्रकार एक साल लीला चलती है, ये लीला ब्रह्मा जी को पता नहीं चलती है, ये बड़ा विस्तार का प्रसंग मैं इसको एक शॉर्ट में बता रहा था कि आप भागवत के 13वें अध्याय में पढ़ सकते हो, उस लीला को दशम स्कंद के 13वें अध्याय में लीला बड़े विस्तार से वर्णन की गई है, और एक साल के बाद जब देखते हैं कि असली कौन ये है कि वह है, तब जाके उन्हें समझ नहीं आती, फिर वो फिर देखते हैं कि सभी लोग विष्णु के रूप में कर, सभी विष्णु है भैया, सभी विष्णु क्यों दिखाई दिया उनको, जबकि कृष्ण कर रहे थे, कृष्ण ने अपने आप को फैलाया था, तो कृष्ण के रूप में दिखाई देना चाहिए था, तो उनको सारे विष्णु क्यों दे, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई थी, तो भगवान बताते देख मैं तेरा बाप हूँ जिससे तू पैदा हुआ है, ये सारे है ये मैं ही तेरा हूँ, अब तू मुझे क्या मोहित करेगा, मैं तुझे मोहित कराऊ, इसने उसको दिखाई दिया, अरे ये तो मेरे पिता है विष्णु जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई, ये उन्हीं का रूप है, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया, तब उन्हें ये बात को रियलाइज हुई उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। श्री सुखदेव गोस्वामी इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली एलिवेटेड डिवोटी एंड राधा कृष्णा पाश्रम, ही इज अ स्पेशल पैर बिलोंग टू श्रीमती राधिका, सुखदेव गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और राधा कृष्ण की लीला में वो सुख पक्षी बनती है, राधा रानी की पक्षी हैं, ही ऑलवेज सिट्स ऑन अ हैंड, वो हर वक्त उसके हाथों में बैठते हैं, एंड शी कैरेस्ड हिम, और वो उनको लाड़ करती है, फीड्स हिम प्रोमेग्रेनेट्स, उनको अनार के बीज खिलाती है, एंड टीचेस हिम टू चैंट कृष्ण कृष्ण गोविंद बज्रनाथ ब्रजनाथ एंड प्राणनाथ, और सिखाती है कि कृष्ण के नाम को रटो, कृष्ण कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, ब्रजनाथ बोलो, प्राणनाथ बोलो, शो ऑलवेज रिमेन इन द एसोसिएशन
of Radha and Krishna. Shukdev ji har vakar Radha Krishna ke sang mein rehte hain, and he may even be there to awaken them during the pre-dawn pastime of Nishant Leela. Yani jab ratri, jab Radha Krishna raat mein jab sote hain aur sir uthne ke liye, ho sakta hai ki Shukdev jo hai ye awaaz karke unhe uthaye. That Shuk became Shukdev Goswami. वह शुक सुखदेव गोस्वामी बने हैं. एंड जस्ट श्री प्रभुनंद सरस्वती से दैट इवन सुखदेव कैनॉट एंड कंट्रोल कृष्णा. कहते ये सुखदेव जी भी कृष्णा को अपने अधीन नहीं कर सकते. ही कैन सर्व कृष्णा बट ओनली द मेंबर ऑफ श्रीमती राधिका पार्टी कैन फुली कंट्रोल हिम. ये कृष्णा की सेवा कर सकते हैं लेकिन जो राधा रानी के पक्ष वाले हैं वही कृष्णा को कंट्रोल कर सकते हैं. बाकी किसी की भी क्षमता नहीं कृष्णा को अपने अधीन करने की. इसका एक ही कारण है कि राधा जो रानी जो प्रेम का आश्रय है, जो भी प्रेम मिलना है संसार में जिसको भी मिलता है वो राधा रानी से मिलता है. तो अगर राधा रानी से प्रेम ही लोगे तो डायरेक्ट जाओगे आपके जो में प्रेम है का जो है वो इतना कम है उसे कोई फर्क नहीं पड़ना. लेकिन जब राधा रानी प्रेम देती है आप इतनी शक्ति आ जाती है कि वो प्रेम कृष्ण को कंट्रोल करने में समर्थ होता है. बाकी किसी को स्तर का प्रेम है ही नहीं. सो नारद ऋषि वेंट टू गोकुल इन वृंदावन. नारद ऋषि जाते हैं गोकुल में वृंदावन में. एंड थॉट कृष्ण है जस्ट डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड सो राधिका मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट समवेयर. तो नारद ने सोचा कि अगर कृष्ण ने अवतार लिया तो राधा रानी भी आई होगी किधर न किधर ब्रिज में. ही वेंट टू रावल एंड डिस्कवर्ड हर देयर. वो रावल गए और वहां पे उन्होंने उनको खोजा. आफ्टर दैट ही परफॉर्म सीवियर ऑस्टेरिटी एट नारद कुंड. फिर उन्होंने बहुत तपस्या की नारद कुंड में एंड बिकेम नारदी गोपी. ऑफ ही वहाँ पे वो नारदी गोपी बने. बट इवन नारदी गोपी कैनॉट कंट्रोल कृष्णा. लेकिन उनमें भी क्षमता नहीं कृष्णा को कंट्रोल करने की. कृष्णा हिमसेल्फ बिकेम अ बम्बल बी एंड वेंट टू नंदगांव. कृष्णा स्वयं भ्रमर बन के जाते हैं नंदगांव में. देयर ही टुक दर्शन ऑफ राधिका व्हेन शी वाज इन अ महाभाव दिव्य मार्ग. यानी आप उनको तब दर्शन किए जब राधे महाभाव देवन माता यानी उठपटांग की बात करी थी. यानी भ्रमर को देख के उसे कृष्ण की याद आई और उसे गुस्से में बात करती गाली निकालती है. तो भी काला है कृष्ण की तरह कपटी है तू जा चले जा यहाँ से. मैं तेरा मुख काले बंदे को देखना चाहती क्योंकि कृष्ण का संदेशा लेके मेरे पास है. क्यों आए है मेरे पास जब मेरे से कोई संबंध नहीं. जाके उसे कह दे. इस प्रकार उठपटांग की बात कह रही थी. लगता बिल्कुल पागल हो गई है. बट ही वॉज स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हर मूड. ये देखने के बाद भी कृष्ण राधा रानी के भाव की गहराई तक नहीं जा सके. थ्री डिजायर देन मैनिफेस्टेड इन हिज हार्ट. तीन इच्छाएं उनके हृदय में जागृत हुई. ही बिकेम इंटेंसली ईगर टू रिलिश द एग्जॉल्टेड स्टेट ऑफ हर प्रणय लविंग मूड. यानी राधा रानी का प्रेम क्या है उस वो भाव का आस्वादन करने की उनके अंदर इच्छा हुई. हर एप्रिसिएशन ऑफ हिज स्वीटनेस एंड ही कैप्चर्स इन ही हार्ट एट दैट टाइम. यानी वो एप्रिशिएट क्या कैसे कर कृष्ण क्या रस का आस्वादन लेती है. तो कृष्ण का जो रस का आस्वादन कृष्ण तो ले नहीं सकते हैं तो राधा रानी को कितना आनंद मिलता है उस रस का आस्वादन करने के लिए जो कृष्ण नाम में है कृष्ण के अंदर है. And the rapture in a heart at that time or Radhika mein kya chal raha hai. Krishna could never go deep enough to fully understand Radhika's mood or madan and modan bhav. Krishna ji kabhi bhi itne gehrai mein nahi ja sakte the Radha Rani ke bhav ko jise modan modan mahabhav kehte hain or highest mood of love jo prem ke sarvasthiti hai never comes in him. Unke andar kabhi nahi aati hai for he is the vishay the object of love. क्योंकि कृष्ण जो है प्रेम के विषय है. प्रेम उनसे किया जाता है लेकिन प्रेम स्वयं के पास नहीं है. इट ओनली कम्स इन द आश्रय द रिजर्वर ऑफ लव. यानी जब प्रेम का आश्रय कंटेनर जिसके अंदर जो समुद्र प्रेम वो है राधा रानी. दैट इज वाई कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु वेंट टू द बैंक ऑफ गोदावरी एंड एडमिटेड इन टू स्कूल ऑफ राधिका पर्सनल सेक्रेटरी विशाखा. तभी तो महाप्रभु जो कृष्ण जो है महाप्रभु बन के आए और वो बनने के बाद
वो कहाँ पे जाते हैं, गोदावरी में जाते हैं, गोदावरी के तट पे, और वहाँ पे राय रमनंद से मुलाकात करते हैं, जो स्वयं विशाखा सखी है, उनके स्कूल में भर्ती होते हैं और प्रेम की परिभाषा सीखते हैं। विशाखा हुआ देयर इन द फॉर्म ऑफ रामानंद राय, रामानंद राय ही विशाखा ही रामानंद राय बन के आई है, और शुभ दामोदर ललिता जी के अवतार है, और विशाखा जो राय रामानंद जी है। महाप्रभु हर्ड मैनी इंस्ट्रक्शन देयर, आप चैतन्य चैतामृत पढ़ सकते हैं राय रामानंद संवाद में। ये ग्रंथ मेरे को आशा करता हूँ कि सभी के पास होगी, चैत्र महाप्रभु की लीला सबके पास होनी चाहिए। तो राय रमन संवाद बहुत गहरा संवाद है, उसके लिए एक अलग ग्रंथ बन सकता है पढ़ने के लिए। ही लर्नड अबाउट राधाज मूड एंड देन ही वेंट टू पुरी एंड रियलाइज देयर मूड्स एंड रिलिस्टम। इन्होंने राधा रानी के भाव को समझा रामानंद से, और फिर पुरी में गए। आप पुरी में तो पहले तो भ्रमण के 12 साल, लास्ट के 12 साल गंभीरा में रह के उन्होंने उस रस का आस्वादन किया। श्रीमती राधिका सखी हु आर हर पार्टी मेंबर्स कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज हर मूड टू सम एक्सटेंट। राधा रानी की जो सखियां हैं वो कुछ मात्रा में उनके भाव को समझ सकती हैं, मोर सो देन कृष्णा। कृष्ण ज्यादा वो समझ सकती है क्योंकि वह सखिया है। कृष्ण इज अखिल रसम सिंधु द ऑब्जेक्ट ऑफ लव। कृष्ण जो अखिल रसम सिंधु यानी प्रेम के विषय हैं, बट ही नॉट ए कंटेनर ऑफ लव, लेकिन प्रेम के पात्र वो नहीं है। द कंटेनर ऑफ रिजर्वा इज आश्रय भक्त, यानी जो प्रेम के पात्र है वो आश्रय भक्त, वह राधा रानी, या जो राधा रानी के अनुगत में चलने वाले जो भक्त होते हैं उनके पास प्रेम आश्रय, वही प्रेम दे सकते हैं और सबको डुबो सकते हैं। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द अबव वर्स फ्रॉम राधा रसुदा निधि दैट नेदर द फोर कुमार्स नॉर नारद एज अ गोपी नॉट इवन सुखदेव गोस्वामी एज राधिका पैर कैन फुली कंट्रोल कृष्णा। हमने राधा रसुदन जो प्रबोधन जी का जो लिखा हुआ ग्रंथ है, जो तुंग विद्या के अवतार है, तुंग विद्या ही प्रबोधन बन सरस्वती बन के महाप्रभु की लीला में आए थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा राधा रसुदा निधि, कहते हैं वो कहते हैं चारों कुमार जो शनकादि ऋषि नर अगर गोपी भी बनते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो राधानी के तोते हैं वो भी कृष्ण में क्षमता नहीं कृष्ण को कंट्रोल करने की। इवन उद्धव को नॉट रियलाइज द मूड ऑफ द गोपी, उद्धव में भी क्षमता नहीं थी गोपियों के भाव को समझने की। ऑल्दो ही वेंट टू वृंदावन एंड हैड एसोसिएशन देयर, हालांकि वृंदावन गए उनका संग भी किया लेकिन उस भाव को वो समझ नहीं सके। कहते घर दैट इज वाई ही तभी तो ने ये प्राप्त की आई रिपीटेडली ऑफर माई रिस्पेक्ट टू दी डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ द वुमेन ऑफ द नन महाराज कवर्ड विलेज। क्या कहा, मैं प्रणाम करता हूँ उस धूल को जो नंद गांव बाबा के गांव के गोपियों की रज है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। When these gopis loudly chant the glories of Krishna, जब ये गोपियां कृष्णा के गुणों का गान करती है, the vibration purifies the three worlds, जो उनके जो ध्वनि होते त्रिलोकी को शुद्ध करती। कोई भी शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणगान करेगा उसके प्रभाव से पूरा वातावरण शुद्ध हो ही जाता है। Be very humble and hollow like a flute, कहते दीन बनिए और खाली कर दीजिए जैसे बांसुरी होती है, फिर कृष्ण चाहे जैसे मर्जी फूट मार के बजाए, फिर जैसे चाहे कृष्ण आपको यूज करे जैसे उनकी इच्छा है। हमें कोई ये नहीं बोल के हमें ये करना चाहिए, हमें आपकी सेवक बना दिए, दासी बना दो आपकी सेवक राधानी, आप चाहे जैसा हमें यूज करना चाहो आप हम यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जिधर भी हो जहाँ भी हो सर आपको हम भूले ना, भाई इतनी कृपा करना कि आपकी विस्मृति ना हो। एंड देन गो टू श्रीमद भागवतम एंड श्री चैतन्य चैतामृत एंड प्रे, फिर भागवत का और चैतन्य चैतामृत का आशय लीजिए इन ग्रंथों का और प्रार्थना करिए, देन यू विल वेरी इजली रियलाइज समथिंग, तब आपको थोड़ी बहुत कुछ अनुभूति होगी। यू विल रियलाइज दैट द गोपी मूड आर द मोस्ट सेलिब्रेटेड, आपको ये बात की अनुभूति होगी कि गोपियों का जो भाव है
ये बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। दे पास्टम द चैत्र महाप्रभु आर अनलिमिटेड एंड एंडलेस, कहते महाप्रभु की लीला अनंत है। और इवन शास्त्र वदन लॉर्ड शेष कैनॉट रीच द लिम्ब ऑफ द पास्टम, कहते शेष नाग में भी जिनके हजार मुख है उन लीला का वर्णन करने की क्षमता नहीं है। कृष्णा कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन हियर दैट चैतन्य महाप्रभु पास्टम द अनलिमिटेड, कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु की लीला अनंत है एंड अनफेदरेबल यानी बुद्धि से परे है। एंड इवन अनंत यानी शेष नाग बलदेव प्रभु कैनॉट एक्सप्लेन दम ऑल विद अनलिमिटेड माउथ, क्योंकि बलदेव का ही विस्तार शेष नाग है। कहते बलदेव में भी क्षमता नहीं है उनकी लीला का पूरा गुणगान करने की, इवन इन अनलिमिटेड अनंत समय तक भी नहीं कर सकते हैं। हाउ डीप दिस पास्ट टाइम्स आर, कितने गहरे ये लीला है। इवन कृष्णा कैनॉट नो देयर डेप्थ, कृष्ण भी उनकी गहराई तक नहीं जा सकते। ऑल्दो ही इज एन ओशन ऑफ, हालांकि वो रस के समुद्र हैं, येट वन कैन रियलाइज इजली नो समथिंग ऑफ देयर डेप्थ, और कोई भी इसके गहराई तक जा सकता है थोड़ा बहुत। टेकिंग शेल्टर एट द फीट ऑफ श्री रूप गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी का आश्रय लेगा वही गहराई तक जा सकता है। प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ रूप एंड रघुनाथ, यानी प्रार्थना करता हूँ रूप रघुनाथ को, ऑलवेज डिजाइन देयर मर्सी, उनकी कृपा हमेशा चाहता हूँ। आई कृष्णा नरेश चैत्र चैतामृत फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप, कहते मैं कृष्ण कविराज जो है चैत्र चैतामृत वर्णन करता हूँ उनकी उनके अनुगत में चल के। तो अभी कृष्ण का जो रिप्लाई किया हम उसको कल पढ़ते हैं, ये लीला किस प्रकार चलती है इसका कल हम आस्वादन करेंगे। विश्राम करतो वांछा कल्पत्रु भैश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।